फ्रेंड्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। अब हम जानेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है जब मेटल की रिएक्शन हम एयर के साथ करवाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा क्या होता है जब हम मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। फ्रेंड, जब भी हम किसी भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक मेटल लिया है और यहाँ पे क्या है हमारा ऑक्सीजन के साथ जब हम इसको कंबाइन कराते हैं तो हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड ये फॉर्म होगा, ये ऑक्साइड उसी मेटल का होगा जिस मेटल की रिएक्शन हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जब भी हम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। इसको देखते हैं कॉपर के एक एग्जाम्पल के साथ। जब हम CU को हीट करेंगे, कॉपर को एयर के साथ, तो क्या होगा, हमें कॉपर सेकंड ऑक्साइड मिलेगा। फ्रेंड्स, इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, मींस ये जो ऑक्साइड हमें मिल रहा है ये ब्लैक कलर का ऑक्साइड होगा। यहाँ पे मैंने रिएक्शन भी लिखी हुई है, 2 Cu + O2, हमें मिल रहा है 2 Cu। मीन्स जब हम कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो हमें मिलता है कॉपर सेकंड ऑक्साइड। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम भी एक मेटल ही है, जब इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड 4Al + 3O2 एंड वी आर गेटिंग 2Al2O3 विच इज ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। जनरली मैंने अपने लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपको बताया था कि जो नेचर होता है मेटल के ऑक्साइड का वो बेसिक होता है, बट अगर एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड की बात करें तो वो ना तो एसिडिक होते हैं नेचर में और ना ही बेसिक होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेचर होता है मेटल मींस जो एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड्स हैं उनका जो नेचर होता है, ना तो हम ये कह सकते हैं कि वो प्योरली एसिडिक है और ना ही ये कह सकते हैं कि वो प्योरली बेसिक है। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, ऑक्साइड्स का, मेटलिक ऑक्साइड का वही नेचर जो ना तो कम्प्लीटली एसिडिक है और ना ही बेसिक है। अगर ऑक्साइड्स इस तरीके के हैं जो ना तो पूरी तरीके से एसिडिक हैं और ना ही बेसिक हैं, तो उन ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। डेफिनेशन देखते हैं। सच मेटल्स ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस, मीन्स ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, को हम क्या कहते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। मीन्स फ्रेंड्स, एसिडिक मेटलिक ऑक्साइड जब भी दोनों के साथ रिएक्ट कर सकें, मीन्स एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकें और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकें। और हमें पता ही था पहले ही, जब मेटल ऑक्साइड किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये एसिड और बेस के साथ डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, और हमें तो फिर इस तरीके के ऑक्साइड्स को हम क्या कहेंगे, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। हम इसको एक रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं। हमारे पास एक मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है जो कि एक मेटल, उसी का ऑक्साइड हमने लिया हुआ है Al2O3। दूसरे रिएक्शन में भी हमने सेम मेटल का ऑक्साइड लिया हुआ है। अब इसको हम डिफरेंटली, मतलब एक बार इसको हम HCl जो कि एक एसिड है इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, और फिर हम इसको बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे। हम देख रहे हैं कि दोनों ही केसेस में, मीन्स दोनों ही रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा है, एक सॉल्ट और वाटर। यहाँ पे भी सेम क्या है, यहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर हमें मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो इसीलिए हम एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, या फिर जो मोस्टली जो ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, मीन्स वाटर में वो डिजॉल्व नहीं होते, या फिर वी कैन से दैट दे फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इन द वाटर। बट कुछ ऑक्साइड्स वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं और एल्कली सॉल्यूशन बनाते हैं, या फिर एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं जो एल्कलाइन होता है नेचर में। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड लिया हुआ है और पोटेशियम ऑक्साइड लिया हुआ। अब मैंने सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई है वाटर के साथ,
जब इसकी इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करें तो मुझे यहाँ पे एक एक्वस सॉल्यूशन मिला है सोडियम का, और इस केस में पोटेशियम का एक एक्वस सॉल्यूशन मिला है। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, ये एक एल्कली बना रहे हैं। जनरली जो सोडियम और पोटेशियम है हमारे, वो क्या करते हैं, बहुत विग्रेसली एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, मीन्स बहुत जल्दी एयर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं ये। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम इन्हें ओपनली ऐसे ही छोड़ दें तो इन ये फायर कैच कर लेते हैं, मीन्स इनमें आग लग जाती है रखे रखे ऐसे ही। अगर ओपनली इन्हें हम रूम पे ऐसे ही छोड़ दें तो आग लग जाती है। फ्रेंड्स इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनको इमर्स्ड कर देते हैं केरोसिन ऑयल में। मीन्स हम एक कंटेनर लेंगे, उसमें केरोसिन ऑयल डाल देंगे, और इस केरोसिन ऑयल ऑयल के अंदर हम क्या करेंगे, सोडियम और पोटेशियम को डाल देंगे। जब इसको डाल देंगे फ्रेंड्स तो ये फर्दर एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए इनको प्रिवेंट करने के लिए कि ये फायर को कैच ना करें, हम इनको केरोसिन ऑयल में मर्ज्ड करके रखते हैं। फ्रेंड्स जो सिल्वर और गोल्ड होता है हमारा, वो रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ, चाहे कितना ही भी हाई टेम्परेचर हो, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट अ हाई टेम्परेचर। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारी गोल्ड की ज्वेलरी होती है, सिल्वर की ज्वेलरी होती है, वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती है, मीन्स वो रिएक्शन नहीं करती है, वो जैसी शाइनी पहले थी वैसी शाइनी रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेटल्स किस तरीके के तरीके से एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जब हमने पहले भी वीडियो में अपने देखा था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक सॉल्ट फॉर्म करते हैं, और उसके साथ साथ क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन गैस भी उसमें इवॉल्व होगी। इसको मैंने आपको एक एक्टिविटी के थ्रू भी बताया था कि आपको शायद याद होगा कि, या फिर आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं। सो मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है उसकी प्रेजेंस को हमने एक पॉप साउंड से डिटेक्ट किया था। मीन्स हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व हुई थी तो हम उसके पास एक जलती हुई कैंडल लेके आए थे जिससे एक पॉप साउंड निकली थी। तो फिर जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसमें से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बट जब हम मेटल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। ऐसा इसलिए होता है कि जो ये जो एसिड है नाइट्रिक एसिड जो है ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, जैसे ही इसमें से H2 निकलती है ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर, मीन्स हाइड्रोजन को बहुत इमीडिएटली वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा, और खुद क्या करेगा, खुद ही रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में, मीन्स इट मे बी रिड्यूस टू N2O, NO और NO2। तो इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, जबकि मेटल्स जो अदर मेटल्स हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बट इसमें इस केस में क्या हो रहा है, वो हाइड्रोजन जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारे वाटर में, और ये खुद को रिड्यूस कर लेता है नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में। ये ऑक्साइड कोई भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेटल्स सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स के सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मीन्स अगर मैं बात करूं कि मेरे पास किसी एक मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन है, सपोज मैं कॉपर सल्फेट की ही बात करूँ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है मेरे पास, और मैं इसकी रिएक्शन अगर जिंक से कराऊँ तो किस तरीके से ये जो मेरा जिंक है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट से, लेकिन जब हम इसको इसके सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होता है, ये जो जिंक है ये हमारा कंबाइन हो जाता है इस सल्फेट के साथ। यहाँ से USO4 की बात करूँ तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के इसके सल्फेट के साथ कंबाइन हो जाएगा इसके सॉल्यूशन के सल्फेट के साथ, और कॉपर को अलग निकाल देगा, ये अलग हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जिंक के साथ सल्फेट ZnSO4 मिलेगा और कॉपर अलग हो जाएगा इस सॉल्यूशन में। ऐसा क्यों हुआ, इस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव, जिंक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू Cu, इसलिए ये इसी के सॉल्यूशन से इसी को रिप्लेस करता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग राइट, इसी के सॉल्यूशन से, मीन्स जिसका सॉल्यूशन था उसी को उसमें से उसने रिप्लेस कर दिया और खुद कंबाइन हो गया उसके सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि रिएक्टिव मेटल्स विल रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, मीन्स जो हमारे रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस कर देंगे। अगर आपने देखा होगा, मैंने आप फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियोस थे उसमें बताया था कि
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बताई थी फ्रेंड्स, ये उस वही है, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास मेटल ए है, डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, मीन्स मेटल ए मेटल बी के सॉल्यूशन से ही मेटल बी को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? तो इससे हम कह सकते हैं कि जो मेटल ए है वो हमारा मोर रिएक्टिव है देन बी से। मेटल ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी, मीन्स अगर ए ने बी के सॉल्यूशन से बी को ही रिप्लेस कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू बी। यहाँ पे देखिए मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, मीन्स मैंने मेटल ए लिया है, एक मेटल लिया जिसको ए नाम दे दिया, और दूसरे मेटल का सॉल्यूशन लिया है जिसको मैंने, मीन्स बी मेटल का एक सॉल्यूशन लिया, एक बी मेटल कोई भी मेटल ले सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैंने लिया हुआ है, उसमें से एक मोर रिएक्टिव है एक लेस रिएक्टिव है। तो मेटल ए ने क्या किया यहाँ पे, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, मीन्स इसके सॉल्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ कंबाइन होके ए का ही सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया यहाँ पे, और मेटल बी को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। इट्स ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेटल्स वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि वाटर हॉट है, वाटर कोल्ड है, या फिर स्टीम्ड है, मीन्स वाटर की डिफरेंट फॉर्म के साथ मेटल्स के डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस देखेंगे। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है और इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। यहाँ पे देख सकते हैं मेटल प्लस वाटर, हमने मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराई है, मेटल ऑक्साइड एक सॉल्ट के फॉर्म में हमें मिल रहा है यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिवॉल्व हुई है। फ्रेंड्स फर्दर हम इस क्या करेंगे, ये जो मेटल ऑक्साइड हमें मिल रहा है इसकी रिएक्शन हम अगर फिर से वाटर के साथ कराएं तो ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे फर्दर कन्वर्ट हो रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड में। पोटेशियम और सोडियम मैंने पहले भी बताया था, दे आर हाईली रिएक्टिव, ये वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, मीन्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। इवन जो इसमें से जब ये कोल्ड वाटर के साथ पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट करते हैं तो इसमें से हाइड्रोजन गैस जो निकलती है इट कैन कैच फायर, वो बहुत जल्दी आग को कैच कर लेती है, फायर को बहुत जल्दी कैच कर लेती है। इसको एक रिएक्शन के थ्रू देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये पोटेशियम लिया है प्लस H2H2O इसके साथ रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पे हमें एक मिल रहा है 2KOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हुई, मीन्स ये जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इसमें से हीट इवॉल्व होती है, इतने ज़्यादा वॉलेंटली और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस है वो फायर को भी कैच कर लेती है। लेकिन जो कैल्शियम है वो उतने ज़्यादा वॉलेंटली रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ। जब हम कैल्शियम की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ कराते हैं तो क्या होता है, हमें CaOH का होल डाइस, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। फ्रेंड्स ये जो हाइड्रोजन गैस होती है इसके जो बबल्स हैं, इसके बबल्स बनते हैं, ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल रही है इसके बबल्स बनते हैं। तो कैल्शियम होता है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, मीन कैल्शियम तैरना स्टार्ट कर देता है। फ्रेंड्स इसका क्या वजह है, क्यों फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स निकले ये क्या करते हैं, मेटल्स की सरफेस पर चिपक जाते हैं इसी वजह से। जो हमारा मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन इसमें से रिलीज होती है। एल्युमिनियम और जिंक, अगर एल्युमिनियम और जिंक दोनों की ही बात करें तो ना तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इनका एक और इंटरेस्टिंग केस यहाँ देखने को मिलता है, ये ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और ना ही कोल्ड वाटर से, ये क्या करेंगे, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, मीन्स एल्युमिनियम और जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। यहाँ पे रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं 2Al प्लस 3H2O, यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम है एक मेटल है, इसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ मीन्स स्टीम के साथ इसकी रिएक्शन कराई है, तो हमें मिल रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस।